ऐसे लग रहा है मुझे जैसे स्पेगेटीज हैं, लंबी लंबी स्पेगेटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जब भी मैंने वीडियो बनानी होती है तो कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। और मेरे घर में काफ़ी सारा शोर होता है, मुझे पता है, क्योंकि माशाल्लाह से लोग इतने ज़्यादा हैं तो कोई ना कोई शोर तो ज़रूर करेगा। तो अभी मैं ज़रा दरवाज़ा बंद करके आती हूँ सो दैट मैं आप लोगों के साथ अच्छे से बात कर सकूँ। ओके, और आज मौसम पता चला कि बारिश हो रही है कल रात से, तो थैंक गॉड ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि मौसम अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। वेल, आज हम लोग इस व्लॉग में क्या देखेंगे? इस व्लॉग में एक तो मैं अपने बालों के साथ करूँगी कुछ खास, वो क्या, वो ये रीम और जारू की मदर मेरे बालों में करेंगी हाईलाइट्स, जो कि स्ट्रीक्स टाइप होती हैं वो करेंगी। मैं काफ़ी टाइम से करवाना चाह रही थी क्योंकि आप चेंज आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बालों में आप यू नो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ट्राई करते हैं। और बेसिकली शी इज़ अ ब्यूटिशियन, या मैं इस बारे में थोड़ी सी केयरफुल रहती हूँ बालों के मामले में, मैं बहुत केयरफुल हूँ क्योंकि मैं ऐसे किसी को हाथ नहीं लगाने देती भाई, बालों का मामला है तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। और इसके अलावा आप इस ब्लॉग में देखेंगे एक बहुत ही मज़े की चीज़, और वो क्या, मुझे मौजम ने मेरा मेकअप किया और मैंने मौजम का मेकअप किया है। चल अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे एक डिफरेंट लुक में। तो सबसे पहले बारी आती है बाल स्ट्रेट करने की, और स्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये स्टेप इसलिए फॉलो किया जा रहा है क्योंकि कैप में से बाल ईजिली निकल आएंगे, और अगर आप स्ट्रेट नहीं करेंगे तो कैप में से बाल थोड़ा अटक अटक कर निकलेंगे तो मुझे दर्द होगी। तो इसलिए मेरी बहन ने ये ज़रूरी समझा कि वो पहले बालों को स्ट्रेट कर लें। और स्ट्रेट करने के बाद अब बारी है कैप में से बाल निकालने की, और आपको जितना आसान लग रहा है ये इतना आसान नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, और इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि समटाइम्स आपको नींद आना शुरू हो जाती है। वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा लाइट ले रही हूँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और आपको इसलिए जल्दी जल्दी लग रहा है क्योंकि ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में है। जितने बाल हम लोगों को चाहिए थे वो सब बाहर निकाल लिए हैं कैप में से, और अब इनका कट डाउन किया जाएगा। तो कट डाउन करने के लिए सबसे पहले मुझे नहीं पता कि कौन से वाला केमिकल लगाते हैं, लेकिन वही वाला केमिकल लग रहा है मेरे बालों में, और थोड़ी देर फिर इसको रखना पड़ेगा, और थोड़ी देर ही बस वो आपको लगेगी क्योंकि मुझे पता है इसमें कितना टाइम लगा था। और फिर उसके बाद जो फाइनल स्टेप होगा वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, और उसकी रीज़न ये है कि वो बाल वॉश करते हुए कलर को चेंज किया था। मीनवाइल मेरे घर वाले बाहर बैठकर बॉलीवुड सॉन्ग सुन रहे थे जो कि बहुत ही मज़े के लग रहे थे, इसलिए मैं भी बाहर चली गई। कुछ इस तरह के मेरे बाल अभी हुए, और अभी इस पर हम करेंगे कलर, और बहुत हॉरिबल लग रहा है। ऐसे लग रहा है मुझे जैसे स्पेगेटीज हैं, लंबी लंबी सी स्पेगेटीज, और अभी फिर से कलर अप्लाई करने वाले हैं। क्या हुआ, खा लो, मेरी भाभी कह रही खा ले। कलर अप्लाई करने के बाद जो फाइनल लुक आई वो कुछ इस तरह की थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। बालों का कलर, मुझे हाइलाइट्स चाहिए थी और मुझे मिल गई है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही बाल पसंद है, और मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर के बाल बहुत पसंद हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और अच्छा फील हो रहा है। और एज यूजुअल बाहर मौसम तंग कर रहा है भाई, बहुत तंग करता है। एनीवे गाइस, और अभी आप देखेंगे दूसरा साथ ही साथ एक और ब्लॉग जो कि मेकअप का है, जिसमें मौसम ने मुझे और मैंने मौसम को मेकअप किया है, और आप बताएंगे कि किसने किसको अच्छा मेकअप किया है। 2000 years later. खाने का इंतजार कर रही हूँ, मौजम रोटी लेने गया है बाजार से, और आई थिंक वो आ भी गया है। आज हमारे घर में निहारी बनी है, और निहारी पकने में इतना ज्यादा टाइम लगा है कि मेरे मुंह पर 24 बज गए हैं, 12 भी नहीं 24। इतनी शदीद भूख लगी हुई है, आई डोंट नो कितनी देर तक खाना मिलेगा, लेकिन ये शुक्र है। देखो बाजी, जरूर पूड़ा खाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा पूड़े का जिक्र करती हूँ, पूड़ा क्या होता है। बाजी ये किसका बना होता है, पूड़ा किसका बना होता है? मतलब पूड़ा, इसके बड़े बड़े पीस भी मिलते हैं, हाँ छोटा भी कट सकते हैं, तोड़ के टूट जाता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा बड़ा मजा आता खाने का, बचपन से हम लोग खाते आ रहे हैं, है ना, मजा आता है ना। और आज घर में बना है
गाजर का हलवा भी बना है और निहारी बनी है, तो मिलते हैं थोड़ी देर तक, बहुत भूख लगी हुई है, अभी खाना लगाएंगे और खाएंगे। तो लेकर चलती हूँ मैं किचन में और दिखाती हूँ किचन में क्या बन रहा है। ये देखिए गाजर का हलवा बन रहा है, आह हाँ, वैसे बनते वक्त में चीनी मिक्स करने वाली और खोया मिक्स करने वाला है। खाना लगना स्टार्ट हो गया है और ये हरे हरे पत्ते और सलाद, वैसे पत्ते तो हैं और सलाद हमें बहुत मजे का, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज हम लोगों ने मंगवाई हैं खमीरी रोटियाँ, जो कि तंदूर से मंगवाते हैं क्योंकि निहारी के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है, इसको बोलते हैं खमीरी रोटी। एक सादी रोटी होती है और एक खमीरी रोटी होती है। हम खाना खाएंगे, निहारी खाएंगे, भोजन करवा दो रे बाबा। कसम से आज सबका बहुत बुरा हाल था, इतना टाइम लगा खाना पकने में ना, मेरी और मौसी की शक्लें देखें, खाना लेट मिलने की वजह से ऐसी हो गई है। पहले अभी खाते हैं हम खाना को, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। अभी मेरे मुंह में पानी गिर रहा, ठीक है। ये लीमू है हमारे घर के, ओह जो के कहा के मजबूत हाथों से गिर गए हैं। ये लीमू जो है ये हमारे घर के है, घर में हम लोगों ने लीमू उगाए हुए हैं, देसी लीमू हैं, हमें बहुत पसंद हैं। तो कहा आगे ये तो बहुत बड़ी खाना खोर है, बहुत खाना खाती है ये, बहुत मामा में ज्यादा खाना खाती है, कह सकती हूँ ज्यादा खाना खाती हूँ जिस मर्जी मौसम पीओ कर आ गया। मजा आ रहा है, ये देखिए ये देखिए, ये जारू की मामा जारू जैसी है, बल्कि जारू अपनी मामा जैसी है, इनको इतना मजा आ रहा है कि वो प्लेट तक नहीं छोड़ रही, साफ कर दिए, धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे 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 अरे, अभी हम लोगों ने खा लिया है, खाना बहुत स्वाद आया है। चले मौसम से पूछे मौसम को कैसा लगा है। बहुत मजे का है ना, स्वादिष्ट। और पहले मौसम का इतना ज़्यादा मूड नहीं था खाना खाने का, लेकिन ऐसा हमेशा होता है कि जब खाना हम खाने बैठते हैं और फिर मौसम को स्वाद आता है, एक रोटी की बजाय डेढ़ खा जाता है। हाँ, फिर मौसम कहता है और है, फिर हम कहते हैं हाँ बिल्कुल है, खा लो खा लो खा लो, तो बहुत स्वाद आया हम लोगों को। अच्छा और हाँ, एक ब्लॉग था जिसमें जिसमें मैंने मौसम को और मौसम ने मुझे मेकअप किया था, रिमेम्बर। तो वो हो गया है कहीं पर डिलीट, वो फाइल मुझे मिल ही नहीं रही, लैपटॉप में रखी थी लेकिन मैंने ढूंढी मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने कहा मैं मौसम से लड़ूँ या मैं खुद ऐसे कुछ बात करूँ तो फिर फायदा नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से ही काम कर लेंगे। क्या ख्याल है मौसम? लेकिन मुझसे नहीं डिलीट हुआ, मैं मौसम को फिर से मौसमा बना दूंगी, ठीक है। हाँ, वैसे वो ज्यादा अच्छा था, और वैसा मेकअप तो मैं आपको दोबारा ही ना कर सकता। तो कोई बात नहीं, वैसे मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, मैं दिखा दूंगी कि इसने मुझे कैसा मेकअप किया था, ठीक है। हाँ, और तुम भी बहुत हसीन लग रहे थे, ठीक है। तो मैं वो शायद मैं अभी दिखा दूँ या मे बी हम लोग जब दोबारा से ऐसा ब्लॉग बनाए तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसा ब्लॉग देखना है जिसमें मैं मौसम का मेकअप करूँ और मौसम मेरा मेकअप करे, तो प्लीज़ डू टेल अस इन कॉमेंट सेक्शन। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का थोड़ा नज़ारा, लड्डू खा ले तू, अरे खिला दे। और हम आपसे चाहेंगे इजाजत, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।